नमस्कार, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल फैमिली को। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं जिसे आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। ये 100% आपको ये वीडियो देखना चाहिए पूरा। आपको एक बहुत बड़े पर्दे या फिर बहुत बड़े बातों से उजागर करने वाला हूँ। यह वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कुछ कारण बस बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैं आप लोगों को बना करके यह वीडियो दे रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मुख्य रूप से तीन टॉपिक का बात होगा। एक, चाइनीज का फोन इतना सस्ता क्यों होता है और अदर कंट्री का फोन थोड़ा महंगा क्यों होता है, कॉस्टली क्यों होता है। दूसरा, इन फोनों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, चाइनीज फोन और अदर फोन के बारे में, खास करके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। और तीसरा आ जाता है इनके सिक्योरिटी के बारे में, यह हमें किस प्रकार से लूट रहे हैं। तो पहले बता देते हैं, चाइनीज फोन और अदर फोन में महंगा क्यों होता है ये दोनों आपस में इतना। तो चाइनीज फोन जो होता है उसमें सिर्फ आपके द्वारा पैसा ही नहीं कमाया जाता हुआ फोन, उसमें और कई सारे फोन से पैसा कमाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोमी का ले लेते हैं, उसमें कितना सारा ऐड दिया जाता है। अभी सोमी का ही एक लेटेस्ट फोन निकला, उसमें एक बच्चों वाला गेम दे दिया गया है। वहीं अदर जो कंपनी होता है, जैसे मान लीजिए हम सोनी का रख लेते हैं या फिर सैमसंग का रख लेते हैं, तो वह थोड़ा महंगा होता है और उसमें इतना बिना मतलब का ऐप नहीं दिया रहता है। उसमें जो मुख्य जरूरी ऐप रहता है सिर्फ वही उधर आता है, जबकि चाइनीज में कोई भी ऐप भर के दे दिया जाता है। तो एक पैसा हुआ ऐप कंपनी की तरफ से भी कमाता है ये सब। तो पहला, इस कारण भी उनका फोन सस्ता होता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चाइनीज फोन का हार्डवेयर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी कारण जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे मैं रहूं या टेक्निकल गुरुजी हो या फिर टेक्नोलॉजी ज्ञान हो या कोई भी बड़े यूट्यूबर हो, सभी आपको बहुत बेहतर बताएंगे। उसमें स्नैपड्रैगन का बड़ा लेटेस्ट लेटेस्ट प्रोसेसर रहता है और उसके बाद ऊपर से बड़ी बड़ी कैमरा रहता है। माना कि वो कैमरा किसी काम का नहीं है, बस नाम के लिए दिया रहता है, लेकिन आप लोगों को एक बड़ी नंबर दिया जाता है और एक बड़ी बहुत बेहतर क्वालिटी दिया जाता है हार्डवेयर में उस फोन में। जबकि आपको अदर कंट्री का भी फोन हार्डवेयर में काफी ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन मुख्य रूप से दिक्कत ज्यादा आ जाए सॉफ्टवेयर में। जहाँ चाइनीज फोन का सॉफ्टवेयर उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं रहता है, उसमें आपको भर भर के ऐड दिया जाता है, और खास करके सोमी अदर कंपनी में, और वहाँ पर आपको क्लीन मास्टर का भी एक ऐप रहता है जिसमें आपको फोन को साफ करने के लिए बनाया जाता है, जिसे आपको बैन कर दिया गया अदर कंट्री का, भारत के सरकार की तरफ से। और अदर कंट्री में बैन हो सकता है क्योंकि सभी के रडार पर भी चाइना है, देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। तो इस कारण भी यह बहुत बड़ी समस्या हार हुआ, आपके डेटा को बेच करके पैसा कमाते हैं चाइनीज फोन। पहला, पैसे आपके डेटा को बेचते हैं। दूसरा, आपको सोमी का फोन में इतना वो जो क्लीन मास्टर है, उसमें आपको देखेगा तो उसमें आपको एक बार अलाउ करने से पूरा डेटा आपको पूरा ट्रैक आपके फोन को ले लेता है, चाहे वो आपके लोकेशन ट्रैक हो या फिर आपके मूवमेंट को भी वो कैप्चर करता है, आपके कैमरा तैमरा के बारे में बात करिए। वहीं दूसरे कंपनी जो ओप्पो वीवो रियलमी सब, ये सब कुछ थोड़ा कम परमिशन लेते हैं, लेकिन वह भी स्टोरेज फोन सब के परमिशन ले ही लेता है। लेकिन इसका जरूरत क्या है? अब दूसरी तरफ आ जाते हैं अदर स्मार्टफोन के बारे में, एप्पल सैमसंग इस सब के बारे में, इसमें आपको कोई भी क्लीन मास्टर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस फोन का सॉफ्टवेयर उतना बेहतर बनाया जाता है कि इसमें उसका जरूरत भी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा हार्डवेयर देता है, उसके बाद उसका जरूरत ही क्या है। लेकिन चाइनीज फोन पैसा कमाने के लिए, आपका डेटा बेचने के लिए क्या क्या करते हैं आपको पता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं आपको, इसीलिए ऐसा चाइनीज फोन डेटा आपके डेटा बेच करके वो आपका पैसा कमाते हैं, ना कि आपसे पैसा लेते हैं फोन का। उनके फोन में ज्यादा टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अदर कंट्री के फोन में ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन यह सोमी सब लूट मचा करके रख दिया है चाइनीज फोन। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं सिक्योरिटी बारे में। तो सिक्योरिटी बारे में बता ही दिए हम आपको सभी, इसी के बारे में सॉफ्टवेयर में बता ही दिए कि इसका कितना बेकार घटिया रहता है, इसका सब कुछ आप जानते ही हैं। इसमें आपको क्लीन मास्टर दिया जाता है जो इंडिया में बैन हो चुका है, इसे हमें एक फीडबैक की तरह चाइनीज कंपनी ले या किसी भी तरह या फिर जो कुछ भी ले, लेकिन उनसे निवेदन करना हो कि आप प्लीज एक अपडेट के साथ इसमें देने का भी ऑप्शन दीजिए। यह क्लीन मास्टर में सिर्फ अलाउ का ऑप्शन दिए है, सिर्फ एक बार क्लिक करने से वह पूरे फोन को अपने अंदर ले लेता है, इसका जरूरत ही क्या है। लेकिन आप जो आम यूजर हैं, वह बार बार फोन को क्लिक करके क्लीन क्लीन क्लीन, आपको स्नैपड्रैगन 710, 712, 760, 730G इस प्रकार के प्रोसेसर में उसका जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
भर देते हैं। उसी प्रकार सैमसंग का देखिए, सैमसंग में कोई इस प्रकार का नहीं रहता है, उसका फोन एकदम सिक्योर है, एकदम बेहतर है। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि ये लोग इतना फोन सस्ता क्यों बेचते हैं और हम लोगों को कैसे ठगते हैं। लेकिन एक बात और कहना है, मैं आपको जो लेबर है वह बहुत लेबर कॉस्ट बहुत कम होता है, उस कारण भी उसका फोन कुछ हद तक सस्ता रहता है। लेकिन क्या फायदा जब हमारा प्राइवेसी है ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। वैसे तो प्राइवेसी एक मिथ है, क्योंकि मैं पता है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग जा करके देखिएगा, आपसे कोई भी फोन लीजिएगा आप, तो उसमें क्लीन मास्टर का कोई भी उपयोग मत करिएगा। फोन ऑप्टिमाइजेशन ऐसे रहता है तो उसमें उसको क्लिक ही मत करिएगा, उसे अनइंस्टॉल करने का भी परमिशन नहीं देते वो लोग। अब क्या करेंगे, एक बार कोई आम यूजर कर लेता है अलाउ, वह सोचता है मेरा फोन साफ हो रहा है, लेकिन उसके फोन को वह हैक कर रहा है, पूरा डेटा वह अपने सर्वर में डाल करके वह उसे बेच देगा, कभी भी चाइनीज सरकार को बेच देगा। वह आपके सामने सब बोला है। तो मैं सभी कंपनी वालों से निवेदन करता हूँ कि ये धंधलेबाजी बंद करिए। आप कुछ ज़्यादा पैसा ले लीजिए, 100-200 हज़ार रुपया, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए, नहीं तो जिस प्रकार उनसे ऐप बैन हुआ है उसी प्रकार आपका फोन भी बैन हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।